दोस्तों, पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि ये खबर पवनदीप राजन, अनिता कांजीलाल और कनाडा से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पवनदीप राजन, अनिता कांजीलाल के साथ साथ मोहम्मद दानिश और साहिली कांबले लंदन टूर के लिए गए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि लंदन टूर में शो खत्म करने के बाद ये चारों कनाडा में शो करने जा रहे हैं, और कनाडा को किस जगह और किस डेट को इनके शो होने वाले हैं और ये शो होंगे या नहीं, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर आपने सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये चारों कब कनाडा जाएंगे और कनाडा में कब और कहां शो करेंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के बाद कनाडा जाने के लिए काफी ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों जैसे ही ये पेपर वर्क कम्प्लीट होगा ये चारों कनाडा के लिए चले जाएंगे। तो आपको बता दें कि इनका पहला शो 21 नवंबर यानी रविवार को फर्स्ट ओंटारियो सेंटर हैमिल्टन में होने वाला है। बात करें अगर दूसरे शो की, तो इनका दूसरा शो कनाडा में 27 नवंबर शनिवार को होने वाला है और इनका दूसरा शो ग्रे ईगल रिजॉर्ट में होने वाला है। वहीं दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि इनका तीसरा शो 28 नवंबर यानी रविवार को होने वाला है और ये शो रिवर क्री रिजॉर्ट में होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इनका चौथा और आखिरी शो कनाडा के ओरफियम थिएटर वैंक्यूवर में होने वाला है। और आपको बता दें कि पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल जिस जगह अपना आखिरी शो यानी चौथा शो करने वाले हैं, उस थिएटर को 90 साल हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस थिएटर को बने हुए पूरे 90 साल हो चुके हैं, जो कि पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वेल दोस्तों, आपको ये खबर सुनकर पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहां पर आप अपनी राय जरूर दें। चैनल पर अगर आपने सबसे पहले जल्द से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को।